गुड आफ्टरनून क्लास, सबको वॉइस क्लियर आ रही है? बेटा वॉइस क्लियर आ रही है? अभिनव गुप्ता रोल नंबर 5। यस सर। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर आ रही है। ये बताओ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इस समय एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो ना तुम लोग? सभी को चैट बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइड किया वो मिल गया? नो सर। नो? यस सर। हेलो।
सभी उस लिंक को एक बार ओपन करेंगे सभी को ये लिंक ओपन करने को मिल जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर मेजर करना है, राइट? उसका बेसिकली ये वर्चुअल अरेंजमेंट है कि किस तरीके से तुम इस जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है उसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? यही चीजें तुम अगर इनके स्लैब में होते तो मैं भी ये सारी चीजें तुम लैब में कर रहे होते, ठीक? तो यहाँ पे तुमने जो यूज किया है एक ये अमीटर जो दिया हुआ है, ठीक है? अमीटर मतलब क्या? अच्छा पहले ये हमको बताओ कि अगर हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन साइड पे जो हमारा सोर्स होगा उस सोर्स किस टाइप का सोर्स होगा एंड कौन सी डिवाइसेस को हम एज अ सोर्स ट्रीट कर सकते हैं फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर साइड पे जो हम सोर्स यूज करते हैं उसके लिए हम कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं? अभय कुमार मिश्रा रोल नंबर 3। यस सर। हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के केस में ट्रांसमीटर एंड पे सोर्स की तरह हम किस डिवाइसेस को यूज करते हैं एज अ सोर्स? यस सर, टूल्स। तो हाँ बेटा, ट्रांसमिशन एंड पे अगर हमें कोई मैसेज जनरेट करना है उस मैसेज को जनरेट करने के लिए जो हम सोर्स यूज करते हैं वो सोर्स कौन सी डिवाइस होती है? लेजर। हाँ, लेजर होती है या एलईडी होती है, मीनिंग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, क्योंकि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो तुम कम्युनिकेशन करते हो वहाँ जो कम्युनिकेशन मीडियम रहेगा वो तुम्हारी लाइट रहेगी, मतलब मीनिंग तुम लाइट वेव के थ्रू ही अपना जो सिग्नल होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वेव के थ्रू ही कन्वर्ट करके आप सेंड करते हो, राइट? तो यहाँ जो ये तुम्हें यहाँ पे अमीटर दिखाई दे रहा है ये बेसिकली या तो कोई एलईडी होगी और या कोई लेजर होगी। उसके बाद यहाँ पे हमें फाइबर स्टैंड दिया हुआ है, ठीक है, मीनिंग जिससे हम फाइबर केबल को अटैच करके पुट करेंगे, ठीक? फाइबर केबल है एंड आउटपुट स्क्रीन है, मीनिंग हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए देखो सबसे पहले फाइबर स्टैंड ले लो, उसमें फाइबर केबल लगाओ, देन एक साइड पे अमीटर लगाओ, यानी तुमने अपनी जो लेजर लाइट थी उसको एक साइड पे लगाया और दूसरी साइड पे ये आउटपुट स्क्रीन लगाई, मीनिंग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है तुम्हारा? बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि तुमने एक साइड पे सोर्स दिया, मीनिंग ऑप्टिकल फाइबर्स को तुमने वन साइड में तुमने एलईडी के थ्रू या लेजर के थ्रू कुछ लाइट अमिट कराई, अब वो लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर से होती हुई यहाँ पे इस आउटपुट स्क्रीन पे, जो आउटपुट स्क्रीन हमने यूज की है इस आउटपुट स्क्रीन पे गिरेगी और इस आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे एक टाइप ऑफ यहाँ पे कोई स्पॉट बनाएगी, राइट? हमारा जो मेजरमेंट होगा हम जो चाहेंगे कि हमारा इसी स्पॉट का डायमीटर एंड रिसीवर और ट्रांसमीटर, मीनिंग तुम्हारा जो ये एलईडी है और ये जो आउटपुट स्क्रीन इनके बीच का डिस्टेंस हम ये निर्धारित करके हम न्यूमेरिकल अपर्चर तक पहुंचेंगे। अब वहां पे जाने से पहले हमको ये बताओ
जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर होता है इन जनरल, वो कौन कौन से कौन सी बेसिक जो थ्योरी जिसपे तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, वो बेसिक लॉ या बेसिक थ्योरी क्या है जिसपे तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशंस क्या क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? सर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो जो लाइट रे होती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके। आशीष कुमार रोल नंबर 36। यस सर। ये मोहित ने कुछ क्रिटिकल एंगल बताया, ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है? सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हैविंग मोर देन 90 डिग्री होता है मैम। सर क्या मोर देन 90 होता है? तो बाउंस बैक हो जाता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसकी, अगर ज्यादा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो। नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब अलका सिंह रोल नंबर 20। आकांक्षा राठौर यस सर। बेटा क्रिटिकल एंगल क्या होता है? सर याद नहीं आ रहा। सर क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता था जिस के बाद अगर एंगल हम इंक्रीज करेंगे तो वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाता था, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता था। तो नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि तुमने वो बात बिल्कुल इंटर रिलेट की कि हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड है जिससे मोर देन एंगल रखने पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसको हमने क्रिटिकल एंगल बोला। बट क्रिटिकल एंगल की हमने इन जनरल और एक डेफिनेशन भी पढ़ी है। सर वो एंगल जिससे उस मीडियम के बाउंड्री के अलोंग वो लाई करता है। बाउंड्री के अलोंग लाई करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो होता है। हाँ कंचन बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यू जिससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, मीनिंग दोनों सरफेस के अलोंग वो रिफ्रेक्शन होने लगता है, राइट? यस सर। ओके, सभी ने इस सेटअप को अपने लिंक ये ओपन कर लिया होगा जैसे हमने सेटअप को किया, मीनिंग एक एक जो चीजें यहाँ पे टूल्स जो जो दिए हुए थे, मीनिंग पहले फाइबर स्टैंड, फिर फाइबर केबल, देन आउटपुट स्क्रीन एंड मीटर। देखो यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि फाइबर केबल से पहले तुम्हें फाइबर स्टैंड लगाना है, ठीक है? बाकी तुम कुछ भी किसी भी ऑर्डर पे लगा सकते हो, बिकॉज बिना फाइबर स्टैंड के फाइबर केबल लगाओगे कहाँ? ठीक है, तो इतना कनेक्शन कर लिया।
सर आपने जो लिंक भेजी है उसमें भी कुछ करना है क्या? नहीं उसमें तो कुछ नहीं करना है, उसमें तुम्हें बस सिमुलेशन पे जाना है। उस लिंक को ओपन करोगे उसके बाद सिमुलेशन पे जाओगे। ओके सर। उस सिमुलेशन पे जाके जैसे हमने ये सेटअप किया है फाइबर स्टैंड और ऑप्टिकल फाइबर इन सब का जो किया है यस सर कर लिया। हाँ तुमने पहले फाइबर स्टैंड लगाया होगा देन फाइबर केबल और फिर स्क्रीन और ये अमित। अब यहाँ पे इसको जो स्टार्ट लिखा हुआ है उस पर स्टार्ट करो ठीक है। जब तुमने यहाँ पे स्टार्ट किया है तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तुमने अगर फिजिकली इसको कर रहे होते तो तुम कर क्या रहे होते? जो तुमने यहाँ पे अमीटर या एलईडी या लेजर लाइट जो तुमने यहाँ पे लगा रखी है तुमने उस लेजर लाइट को ऑन किया होगा ठीक है। अब उस लेजर लाइट से यहाँ पे लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर पे एमिट हुई होगी, देन यहाँ पे ये लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर से ट्रेवल करते हुए दूसरे एंड से बाहर निकलेंगी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा सेटअप और करते हैं, यानी यहाँ पे हम लेंस प्रोवाइड कराते हैं जिससे सारी की सारी जो लाइट है जो यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रही है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट रहे। ये जो तुम्हें यहाँ पे दूसरा इस तरह का दिख रहा है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि किस तरह से तुम्हारी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पे किस तरह का तुम्हें रिफ्लेक्शन मिल रहा है, या ये कहें कि तुम्हारे आउटपुट स्क्रीन पे ये जो लेजर लाइट में जितना भी एमिशन किया था उस एमिशन का क्या पार्ट तुम्हारे यहां तक पहुंच रहा है और उसका जो स्पॉट क्रिएट हो रहा है वो स्पॉट किस तरह का क्रिएट हो रहा है। राइट नाउ अब तुम इस फाइबर केबल की लेंथ को वेरी कर सकते हो, यहाँ से तुम अपने फाइबर केबल की लेंथ को वेरी कर सकते हो और डिफरेंट ये जो आया इसको इसको छोड़ देना ठीक है। इसके बाद जीरो से वन, तो वन मिलीमीटर का जब तुमने डिस्टेंस रखा है स्क्रीन का मीनिंग स्क्रीन एंड जो तुम्हारा अमीटर है इनके बीच का जब डिस्टेंस तुमने वन मिलीमीटर रखा है उस टाइम पे जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पे ये जो डॉट बन रहा है बहुत ही हल्का सा डॉट जो बन रहा है इस डॉट का जो डायमीटर होगा वो 1.11 मिलीमीटर आ रहा है। राइट इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के लिए 1 मिलीमीटर हो गया 3, 2 इस तरह से डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है ठीक है और इन रीडिंग्स को यहां पुट करना है पहले। ठीक है तो यहां पे हम जो करेंगे 1 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर 18 मिलीमीटर ठीक है। इतने पे हम इस डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग अपने सेटअप पे एक बार इस जो स्पॉट बन रहा है उस स्पॉट का जो डायमीटर है उसको चेक करेंगे कि जैसे जैसे हम लेंथ बना रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं उसके स्पॉट का जो जो डायमीटर है उसमें क्या चेंजेस है। सर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। यस सर। हाँ तो ये वेरिएशन दिख रहा है सभी को? नाउ अब हमको ये बताओ कि न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली होता क्या है।
फर्स्ट सभी लोग ये सारी एंट्रीज जो है मीनिंग हमने कौन कौन सी ली, 1 मिलीमीटर ली है, 3 मिलीमीटर लिया, 5 मिलीमीटर लिया, 9 मिलीमीटर लिया, इनके अगेंस्ट जो डायमीटर्स हैं वो यहाँ पे पुट करोगे। जैसे हमने 1359 ले लिया, बाकी उनके अगेंस्ट कितना है, 1.11, 3.332, 5.554 एंड 9.8। टेबल में ये वैल्यूज पुट करने के बाद ड्रॉ ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है,